हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ कंप्यूटर की इस क्लास में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स एंटरिंग डाटा इन एमएस एक्सेल। डियर फ्रेंड्स, एक्सेल में किस तरह से डाटा को एंटर किया जाता है डियर फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एंटरिंग डाटा सेल में डाटा एंटर करने के लिए सबसे पहले सेल को एक्टिव करना होता है, क्लिक करते ही सेल एक्टिव हो जाता है डियर फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हैं, किसी भी ये सेल पर मैं क्लिक करता हूँ, एक्टिव हो जाता है जहाँ डाटा को एंटर करना किया जाता है, और की बोर्ड की सहायता से डाटा को टाइप करते हैं। जब हम एक्टिव में डाटा को टाइप करते हैं, तब एक्टिव सेल में डाटा को टाइप करते हैं, तब फॉर्मूला या बार तीन बटन्स कैंसिल एंटर एवं इक्वल फॉर्मूला बटन एक्टिव हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स, एक्टिव हो जाते हैं। यदि हमसे डाटा एंटर करने में कोई गलती हो जाती है तो कैंसिल बटन पर क्लिक कर हम उस एंट्री को कैंसिल बटन पर क्लिक कर कैंसिल कर सकते हैं। फॉर्मूला बटन का यूज एक्टिव सेल में फॉर्मूला एंटर करने के लिए किया जाता है। इस बटन में क्लिक करने से फॉर्मूला बॉक्स बटन ओपन होता है, जहां हम फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। एक्टिव सेल में एंटर किए डाटा को कंप्लीट करने के लिए एंटर बटन पर क्लिक करते हैं। एक्सेल में ऑटो कंप्लीट फीचर होता है, जिसकी सहायता से कॉलम में एंटर किए गए डाटा को पुनः दोहराया जा सकता है। चेंजिंग वर्क्स शीट लेआउट इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग कॉलम्स, एक्सेल में आवश्यकता अनुसार नए कॉलम्स को इंसर्ट किया जा सकता है, जिसमें पहले से उपस्थित डाटा राइट साइड में प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक इस तरह से डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, ये इस तरह से राइट साइड प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है फ्रेंड, कॉलम इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जहां न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। यदि एक साथ एक से अधिक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तब एक से अधिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है। ठीक इस तरह से देखिए, मैंने दो सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया, दो इंसर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, एक और दो। ठीक, तब एक से अधिक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं डियर फ्रेंड। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कर कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, या कॉलम पर राइट क्लिक कर प्रदर्शित शॉर्टकट मेन्यू में से इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स में इंसर्ट या एंटायर कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट कर ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। डिलीटिंग कॉलम्स, एक्सेल में अनावश्यक कॉलम्स को डिलीट करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। कॉलम्स को डिलीट करने से उनमें उपस्थित डाटा भी डिलीट हो जाता है, तथा अन्य सभी कॉलम्स पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्न तीन स्टेप्स हैं। एक या एक से अधिक कॉलम्स को सिलेक्ट करें, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर डिलीट ऑप्शन चुनें। एडिट मेन्यू पर क्लिक कर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, या राइट क्लिक कर, जैसा मैंने बताया डियर फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, राइट क्लिक कर डिलीट ऑप्शन इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट करें। डायलॉग बॉक्स डियर फ्रेंड्स, जिससे डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, अगर अन्य ऑप्शन से करते हैं तो उससे एंटर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो में से डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंसर्टिंग सेल, कभी कभी हमें रो या कॉलम को डिलीट करने के अलावा उसके लिए भाग को इंसर्ट या डिलीट करना होता है। इसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सेल रेंज को सिलेक्ट करें, तथा न्यू सेल एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट क्लिक कर शॉर्टकट मेन्यू में से इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिससे इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट सेल राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यदि हम उसी रो में सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, या शिफ्ट सेल एरो शिफ्ट सेल डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यदि हम उसी कॉलम में सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, तथा ओके बटन पर क्लिक करते हैं। डिलीटिंग सेल, उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसे डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक कर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिससे डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट सेल अप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यदि हम डिलीट सेल को नीचे वाली सेल में रिप्लेस करना चाहते हैं, तब शिफ्ट सेल लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यदि हम डिलीट सेल को लेफ्ट में प्रदर्शित सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं। रिसाइजिंग कॉलम विड्थ, एक्सेल में कॉलम की विड्थ आठ कैरेक्टर कुछ अधिक 843 होती है डियर फ्रेंड्स, 843। यदि हमें इससे कुछ अधिक या कम डाटा एंटर करना हो, तब हमें उस कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना होता है। हम कॉलम विड्थ को मैन्युअली ऑटो विड्थ ऑप्शन पर ऑप्शन या फॉर्मेट मेन्यू का यूज कर एडजस्ट कर सकते हैं।